ये वीरों की भूमि है और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्थापित किया। अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। तो मेरी गाड़ी तेजी से जा रही थी, उतने में एक स्कूटर पर एक जवान छोकरा अपने पत्नी के साथ जा रहा था और जाते समय रोड में बहुत गड्ढे थे, पर वो मोटरसाइकिल पर बढ़कर पीछे पीछे मुड़कर देख रहा था। तो मैंने मुझे मेरे साथ बैठे हुए नेताजी ने कहा कि देखो, वो लड़का आपको देख रहा है, देखना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर पीछे देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, अगर मैं कहूंगा तो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा। और जितने नाम मैंने गिनाए, ये तो फिल्म के पहले का ट्रेलर है। असली फिल्म शुरू होना बुंदेलखंड और महाराष्ट्र का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। हमारे सबके जीवन में बचपन से छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे जीवन के आदर्श है और स्वाभाविक रूप से उनका वर्णन किया गया था, यशवंत कीर्तिवंत वरदवंत सामर्थ्यवंत जानता राजा। निश्चय का महामेरु बहुत जनासी आधारु अखंड स्थिति का निर्धारु श्रीमंत योगी। और वो छत्रपति शिवाजी महाराज और बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल महाराज, इन दोनों के बीच में बहुत घनिष्ठ मित्रता थी। और 17वीं शताब्दी में ये जो न्यू है मैत्री की, वो बहुत मजबूत हुई थी, वो देश के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। ये वीरों की भूमि है और इसी भूमि पर एक इतिहास बना रहे हमारे योगी जी। मैं आज देश की जनता की तरफ से उनको धन्यवाद दूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में एक बात कही, वो योगी जी के काम को देखकर याद आती है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। राजा ऐसा होना चाहिए जो मां बहनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा होना चाहिए जो सज्जनों की रक्षा करने वाला चाहिए। राजा ऐसा चाहिए जो अन्याय करने वाले को उखाड़ कर फेंकने वाला चाहिए, जो दुर्जनों को और दुष्ट लोगों का संहार करने वाला चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण में गीता में संदेश था। योगी जी, मैं आपको देश की जनता की तरफ से धन्यवाद देता हूं कि सज्जन शक्ति की रक्षा करने के लिए धर्म के कर्तव्य के अनुसार आचरण करते हुए जो दुराचारी दुर्जन और दुष्ट थे, जो गरीबों का शोषण कर रहे थे, जो अन्याय और अत्याचार कर रहे थे, गलत मार्ग से अवैध संपत्ति कमा रहे थे, उनके ऊपर आपने बुलडोजर घुमाकर देश में आदर्श प्रस्थापित किया। मैं उत्तर प्रदेश की जनता तो आपके ऊपर खुशी है, मैं देश की जनता की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। और आप इसी कार्य से आगे जाएंगे तो सही में
अयोध्या में राम मंदिर तो अब निर्माण हो गया है, पर देश में राम राज्य निर्माण होगा, ये मेरा विश्वास है। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत से महत्वपूर्ण रास्ते आज हुए हैं, सबकी बात करने के लिए समय नहीं है। झांसी से खजुराहो का मार्ग 2800 करोड़ रुपए का 173 किलोमीटर 4 लेन जो होने से 8 घंटे का समय लगता था, अब 2.5 से 3 घंटे में जाना होगा। झांसी से छाती पहाड़ी तक 1410 करोड़ की लागत से 76 किलोमीटर का लोकार्पण हो रहा है। और मुझे और एक प्रार्थना योगी जी को करना है कि विशेष रूप से ये जो मार्ग है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी में हमने इस मार्ग में निवाड़ी जिले में निवाड़ी भाटा में 2 हेक्टेयर क्षेत्र में वेस्ट एम्यूनिटी बनाई है। और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसमें हम आपको जगह देंगे, उत्तर प्रदेश का हैंडलूम, उत्तर प्रदेश का हैंडीक्राफ्ट, उत्तर प्रदेश का वुडन वर्क, यहाँ के गांव गरीब मजदूर किसानों की जो जो कलाएं हैं उसके लिए आपको जगह उपलब्ध करा कर देंगे। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से वहाँ आने वाले पर्यटकों को उत्तर प्रदेश की कला की जानकारी मिले, इसलिए भव्य पैवेलियन तैयार करिए, उसकी जगह हम आपको उत्तर प्रदेश की सरकार को देंगे, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है कि इसके साथ साथ आज भोपाल महोबा कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर, आपको पता है इसकी कीमत कितनी है? 11,300 करोड़ रुपए। मुझे मालूम नहीं पर शायद ये सांसद और विधायक बैठे हैं, आपको ये सपना भी नहीं पड़ सकता कि इतना बड़ा रोड हो सकता है क्या, क्योंकि आज तक हुआ ही नहीं। एक बार मैं उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष था, तब हम प्रचार के लिए जा रहे थे, तो मेरी गाड़ी तेजी से जा रही थी, उतने में एक स्कूटर पर एक जवान छोकरा अपने पत्नी के साथ जा रहा था, और अब जाते समय रोड में बहुत गड्ढे थे, पर वो मोटरसाइकिल पर बढ़कर पीछे पीछे मुड़ कर देख रहा था, तो मेरे साथ बैठे हुए नेताजी ने कहा कि देखो वो लड़का आपको देख रहा है, देखना चाहता है, इसलिए पीछे पीछे मुड़कर देख रहा है। मैंने कहा वो मुझे नहीं देख रहा है, वो बार बार अपने पत्नी को हाथ लगाकर पीछे देख रहा है कि गिर गई, है कि गिर गई। उस समय ऐसे रास्ते थे, पर मोदी जी आए, योगी जी आए, हमारी सरकार आई, अब तो ऐसे रास्ते हैं कि दिल्ली मुंबई हाईवे पर 180 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी दौड़ी और एक ने पानी का ग्लास अपने गाड़ी के ऊपर रखा और एक बूंद हला नहीं, ऐसे रास्ते हमारे देश में बने। मेरी समस्या ये है कि टाइम कम है, अगर मैं बताने जाऊंगा तो और 2 घंटे लगेंगे, पर आप चिंता मत करिए, मैंने वादा किया है, और मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, अगर मैं कहूंगा तो डंके की चोट पर पूरा करके दूंगा। अभी मैंने अनुराग शर्मा जी के एक प्रपोजल पर कहा कि यह काम हो नहीं सकता और मैं कर नहीं सकता, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं, और इसलिए आपको वचन देता हूं कि 2024 समाप्त होने के पहले बुंदेलखंड के और उत्तर प्रदेश के रोड नेशनल हाईवे अमेरिका के बराबर बनेंगे ही। आप भूल जाओगे पुरानी यादों को, ऐसे रोड बना देंगे कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। और जितने नाम मैंने गिनाए ये तो फिल्म के पहले का ट्रेलर है, असली फिल्म शुरू होना, बस तुम एक ही काम करो, डबल इंजन को लगा दो, ताकत दो, अब देखो कैसे होगा। एक तरफ योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास करेगा, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और दूसरी तरफ मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व की नंबर एक की ताकत बनेगा, वर्ल्ड की नंबर एक की इकोनॉमी, सुपर इकोनॉमी, आत्मनिर्भर भारत, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी। और मुझे लगता है कि तब हमारा किसान केवल गेहूं चावल और चना पैदा करने वाला नहीं रहेगा। मैं किसान हूं, किसानों में काम करता हूं, 3 चीनी मिले चलाता हूं, बहुत किसानों में मैं पूरा काम करता हूं,
बहनों और भाइयों, इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं रहेगा, इस देश का किसान ऊर्जा दाता होगा। परसों मैंने एक को कहा कि अब मुंबई से उत्तर प्रदेश के लोग धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि मुंबई से भी अच्छी सहूलियत, अच्छा रोजगार मोदी जी ने और विशेष रूप से योगी जी ने उत्तर प्रदेश में तैयार किया है। यही हमारे कार्य की विशेषता है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। यहां का पर्यटन 2 गुना 3 गुना बढ़ेगा। पर्यटन ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्मिति पर खर्चा होती है। आपको रोजगार निर्माण करना, युवाओं के हाथों को काम देना, किसानों को उनके फसल के सही दाम देना, गरीबी को दूर करना और देश को सुखी, समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली एक दुनिया की महाशक्ति बनाना, यही भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है और यही हमारा सबका मिशन है। और इसीलिए आज राजा छत्रसाल बुंदेला जी की इस पवित्र धरती पर छत्रपति शिवाजी महाराज और राजा बुंदेला जी का स्मरण करते हुए आप सबके सहयोग से नए भारत का निर्माण होगा और निश्चित रूप से दुनिया में हम आगे ही निकलते रहेंगे, यही विश्वास व्यक्त करते हुए आप सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। मेरे साथ कहिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।